Hello friends, welcome to Tension Free, a special channel for professionals. आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, GST इनवॉइस फुल्ली ऑटोमेटिक. इनवॉइस बनाना हुआ आसान, बिल्कुल ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ एक्सेल. फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एक वीडियो है जिसमें मैं एक्सेल को यूज़ करते हुए हम लोग इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि हम लोग जैसे इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेट कोड डिफरेंस होने के कारण कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमें IGST लगाना है, SGST लगाना है या CGST लगाना है. तो इस शीट में मैंने वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड कर दी हैं, जिसकी हेल्प से आपको कुछ नहीं करना है. सिर्फ आपको अपना नरेशन डालना है, अमाउंट फिल करना है, रेस्ट ये शीट अपने आप सारा कुछ SGST लगाना है या CGST लगाना है या IGST लगाना है, ऑटोमेटिकली अपने आप ये शीट करेगी. तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे और देखते हैं हम लोग कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इनवॉइस का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं. तो इसमें यहाँ पे ओरिजिनल है, ओरिजिनल इनवॉइस. यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, दिस इज़ द टैक्स इनवॉइस. और यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर फीड करके यहाँ जिस डेट में आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो डेट फीड कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जिस पार्टी से हमें बिल देना है, यानी फ्रॉम कौन सी कंपनी है जो बिल जनरेट कर रही है. तो कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया हमने, टेंशन फ्री प्राइवेट लिमिटेड. ये कंपनी का एड्रेस हो गया है, ये कंपनी का GSTN हो गया है, ये कंपनी का पैन नंबर और ये कंपनी का स्टेट कोड हो गया है, राइट फ्रेंड्स. और इसके बाद जिसको हम बिल कर रहे हैं, बिल टू, जैसे मान लीजिए अगर हम बिल कर रहे हैं प्रफुल ऑटो इंजीनियरिंग को, ये उनका एड्रेस है, ये उनका GST नंबर है और ये उनका पैन नंबर है और ये इनका स्टेट कोड है, राइट फ्रेंड्स. इसी तरह आप नीचे चलेंगे तो ये SAC कोड है. एक्चुअली ये एक सर्विस प्रोवाइडर का बिल है, इसलिए इसमें मैंने SAC कोड लिया हुआ है. अगर ये कोई ट्रेडिंग का है या कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें, तो आपको HSN कोड भी डालना पड़ता है, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. और यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ गया है. तो ये एक सर्विस का बिल है जिसमें कंसल्टिंग चार्जेस मैंने मेंशन किए हुए हैं कि ये क्वालिटी इंजीनियर हमने एक गुड़गांव लोकेशन पे दिया था, इस कैंडिडेट का नाम ये है, ये इसको सैलरी ऑफर हुई है, इस डेट को उसने ज्वाइन किया. ये हमारा बेस बिल अमाउंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 45,000 का. और यहाँ पर आप देख रहे हैं 45,000 जो आ गया है. और यहाँ पर IGST ना लगाते हुए हमने SGST CGST लगाया है. कैसे? क्योंकि दोनों का जो स्टेट कोड है वो सेम है. अगर स्टेट कोड सेम होता है तो SGST और CGST लगता है, और स्टेट कोड अगर अलग हो जाता है, सेम नहीं होता है, तो IGST लग जाता है. आपको ये कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ. सिंपल सा तरीका है, आप बस ये याद रखिए, सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट है दैट मीन्स SGST, ठीक है. सेम स्टेट मतलब S, तो S से मतलब SGST, तो आप SGST और CGST लगाएंगे. अगर डिफरेंट स्टेट है तो IGST अपने आप लग जाएगा, राइट फ्रेंड्स. उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये SGST CGST का रेट लग चुका है और यहाँ ग्रैंड टोटल आ गया है. यहाँ नीचे अमाउंट इन वर्ड्स है और जिन्होंने ये बिल जनरेट किया उनके अकाउंट डिटेल्स है, ताकि कंपनी इनको पेमेंट जो NEFT, बैंक ट्रांसफ़र, RTGS जो भी करना चाहे तो वो इस अकाउंट में कर सकती है. और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है. और एक तो एक छोटा सा इनवॉइस का फॉर्मेट है फ्रेंड्स, जिसको आप देख सकते हैं. अब इसको ऑटोमेटेड कैसे करना है, आइए चलो देखते हैं. सबसे पहले फ्रेंड, हमने एक सेकेंड शीट में, आप देख सकते हैं सेकेंड शीट में हमने एक डेटा क्रिएट किया है. ये डेटा बेसिकली क्या है, इसमें हमने अपने क्लाइंट्स के नाम लिख दिए हैं जिनको हमारी जनरली बिलिंग होती है. तो मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 क्लाइंट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं. प्रफुल्ल ऑटो इंजीनियरिंग, ये IMT मानेसर में है, इसका ये आपका GST नंबर हो गया, ये पैन नंबर और ये इसका स्टेट कोड हो गया, राइट. यहाँ पर ये दूसरी कंपनी है, पीटर्स कार्स प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान में है, जिसका स्टेट कोड 8 है, ये GST नंबर है एंड दिस इज़ द पैन नंबर. एक थर्ड कंपनी हमने लिए, भगवती इंटरप्राइजेस, जो हरिद्वार में है, GST नंबर, ये उसका पैन नंबर एंड दिस इज़ द स्टेट कोड, राइट फ्रेंड्स.
तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा ही करना चाह रहे हैं तो आप एक सेपरेट शीट में अपने उन क्लाइंट्स का इस प्रकार से डेटा फीड कर लीजिए जितने भी क्लाइंट्स को आपकी बिलिंग कंटिन्यूस होती रहती है, या फिर आप इसमें नेक्स्ट एड ऑन भी कर सकते हैं। इस बिल को ऑटोमेटेड बनाने के लिए आज हम लोग यूज़ करेंगे एच लुकअप फार्मूला। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूज़फुल है। अब आप देखिए, आपका बिल है तो ये चीज़ें आपकी हमेशा फ़िक्स रहेंगी, क्योंकि आप ही बिल जनरेट कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का एड्रेस, नाम, ये सारा चीज़ फ़िक्स रहेगा। आप किसको बिल जनरेट कर रहे हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही प्रफुल्ल ऑटो इंजीनियरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन का निशान आ गया है यहाँ पर। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी, मैंने तीन कंपनीज फीड करी हूँ तो मेरे पास तीनों कंपनी का नाम आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो मुझे क्या करना है, मैंने प्रफुल्ल को सेलेक्ट किया तो उसी हिसाब से ये मेरा कैलकुलेट कर लेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आइए मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको पीटर कार सर्विसेज जो भी है, कार प्राइवेट लिमिटेड, इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे एड्रेस चेंज हो गया है, स्टेट कोड भी चेंज हो गया है। जैसे ही कंपनी चेंज हुआ है, कंपनी का पूरा डेटा यहाँ आ गया है, राइट फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं स्टेट कोड दोनों का डिफरेंट है, तो यहाँ पर IGST हमारा चार्ज होगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली IGST हमारा चार्ज हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और जैसे ही मैं इसको वापस उस कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ जिसका स्टेट कोड इसके बराबर होगा जो कंपनी बिल दे रही है, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रफुल्ल को वापस सेलेक्ट करता हूँ, देखिए एड्रेस चेंज हो गया है, और आप देखेंगे कि IGST की जगह अब ये SGST और CGST का इसने परसेंटेज निकाल के यहाँ बिल में टोटल कर दिया, राइट फ्रेंड्स। अब आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है, एच लुकअप कैसे लगता है। सबसे पहले हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, मैं साइड में आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले आऊँगा डेटा पे, डेटा पे आके मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और इस कॉलम में आके मैं लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा। अब मेरे को सोर्स सेलेक्ट करना है, सोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड शीट सेलेक्ट करता हूँ, और ये मैंने अपना कंपनीज़ के नाम जो भी हैं लिस्ट के हिसाब से, जो जो मेरे को लिस्ट के अंदर कंपनीज़ के नाम चाहिए, ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, राइट फ्रेंड्स। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरी तीनों कंपनीज़ के नाम यहाँ पर आने लगे हैं, राइट फ्रेंड्स। ये आपने एच लुकअप से अपना लिस्ट बना के, डाटा वैलिडेशन से आपने यहाँ लिस्ट जनरेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर उस कंपनी का एड्रेस आ जाए, इस कॉलम में, इस रो में इसका GST नंबर आ जाए, इस रो में इसका पैन नंबर आ जाए, और इसमें इसका स्टेट कोड आ जाए। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोग वी लुकअप कैसे लगाते हैं। मुझे यहाँ पर एड्रेस चाहिए, तो आई स्टार्ट इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मुझे इसकी चाहिए, राइट। इसके बाद कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा टेबल अरे है जिसमें से मुझे डेटा पिक करना है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मुझे एड्रेस मेरा सेकंड रो में है, आप देख सकते हैं एड्रेस जो है मेरा सेकंड रो में, सो आई पुट कॉमा सेकंड कॉमा ज़ीरो एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये एज इट इज़ प्रफुल जो कंपनी है उसका एड्रेस है 18 सेक्टर 3 IMT मानेसर, यहाँ पे एज इट इज़ फीड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसका GST नंबर चाहिए, तो मैं इस कॉपी कर लूँगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करके एज इट इज़ नीचे पेस्ट करूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका GST नंबर आ चुका है, राइट फ्रेंड्स। और इसको मैं फ्रीज़ कर लेता हूँ ताकि मैं कंपनी से ही रेफरेंस लूँ इसका, तो ये ऑलरेडी फ्रीज़ है। इसमें मैं भी C14 कर देता हूँ, C13 कॉमा, और ये चलिए कॉपी करने से अच्छा है मैं आपको एक बार फ्रीज सेल का बता देता हूँ फॉर्मूला। हम इस वाले में ही पहले हम लोग फ्री कर लेते हैं, ताकि हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं इसको, ताकि हमें रेफरेंस बार बार चेंज ना करना पड़े या ऑटोमेटिक चेंज ना हो शीट में। तो मैंने जिस सेल से रेफरेंस ले रहा हूँ उसको फ्रीज़ कर दिया है डॉलर का साइन लगा के। अब मैं इसके बाद जो मेरा टेबल अरे है मैं उसको भी फ्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि डेटा मेरा इस टेबल में से ही आए। तो मैं ऐसे हर एक सेल के उस पर जो है रेफरेंस पे मैं डॉलर साइन पुट कर लेता हूँ, राइट फ्रेंड्स। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा नीचे। अब आप देखेंगे मुझे सिर्फ रो नंबर चेंज करना है, थर्ड रो पे मेरा GST नंबर है, GST नंबर आ गया, राइट फ्रेंड्स। मैं फिर इसको कॉपी कर लूँगा, फोर्थ रो में मेरा पैन नंबर है, मैंने 4 फीड करूँगा, यहाँ वो आ जाएगा। नेक्स्ट मैं 5 फीड करूँगा, मेरा स्टेट कोड आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स।
ओके एक सेकेंड, शायद ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। A4 से C8 तक करना है मुझे, राइट। तो वो उसमें फीड नहीं हुआ है शायद, इसको मैं 8 कर लेता हूँ, तो ये अपने आप इसको भी ले लेगा, स्टेट कोड आ गया। फ्रेंड्स देख रहे हैं अब मैं सिर्फ जैसे ही कंपनी चेंज करूँगा, अब देखेंगे नीचे ये चेंज हो गया, स्टेट कोड 8 आ गया है, पैन नंबर, GST नंबर, एड्रेस चेंज हो गया है। अब मैं इसको थर्ड कंपनी पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक देखिए हरिद्वार का एड्रेस आ गया है, राइट फ्रेंड्स। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये आप लोग के रेफरेंस के लिए था। अब हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला इफ़ कंडीशन का, ताकि हमारा SGST, CGST, IGST ऑटोमेटिक उसको पिक करे। आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं IGST पे। आप देखें कि मैंने इफ़ का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। सिंपल इसमें क्या करना है आपको, अगर स्टेट कोड दोनों सेम है तो IGST नहीं लगेगा, सिंपल सा फैक्ट है। तो आपको फार्मूला ये यूज़ करना है, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट B10 एंड B17 आर नॉट इक्वल, देन आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, अदरवाइज यू पुट जीरो। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए इनसे क्या किया, यहाँ जीरो कर दिया। सेम फार्मूला हम लोग यहाँ करेंगे, इफ़ B10 एंड B7 अगर इक्वल है, यानी कि दोनों स्टेट कोड इक्वल है, यानी कि B10 और B17 अगर दोनों इक्वल है तो 9% आप इसमें चार्ज कर दीजिए, अदरवाइज जीरो। सेम फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो बड़ा सिंपल सा है, अब आप देख सकते हैं इसको। अब मैं इसको जैसे ही चेंज करता हूँ किसी और स्टेट में, मान लीजिए मैं भगवती एंटरप्राइजेज में करता हूँ चेंजेस को, अब मैं नीचे आके देखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे IGST लग चुका है, राइट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी ही मैं इसी फॉर्मेट को आगे भी कंटिन्यू करके एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए, जिसमें कि आपका ये इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा और ये जो इनवॉइस आपका पुराना होगा वो ऑटोमेटिकली सेव होगा और नेक्स्ट इनवॉइस नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। वो उसमें हम थोड़ा VB यूज़ करेंगे, विजुअल बेसिक को यूज़ करेंगे और मैक्रोस को यूज़ करते हुए वो शीट में रेडी करूँगा। तो जल्दी ही वो वीडियो भी आपके पास आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो उनके पास भी हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुँचते रहे, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।